my channel. This is me, Shumaila. Welcome to another vlog. So, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. थोड़ी देर पहले बड़ी मज़े की बात हुई, और वो ये कि मामा जी ना काफ़ी ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखने लग गई हैं. एक खुद ब खुद जैसे एक देखती हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह डिफरेंट ब्लॉगर के ब्लॉग्स आते हैं तो देखती हैं, और मेरे इतने नुक्स निकालती हैं. मुझे कह रही थी कि तुम ब्लॉग में ना ये नहीं कहती कि सब्सक्राइब करो, इसीलिए तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा. मैंने कहा ठीक है ठीक है. आज जैसे ही मैंने वीडियो बनानी है ना, सबसे पहले मैंने स्टार्ट में कह देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. बाकी आप लोग को तो पता ही है, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको घर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. उनसे एक तो प्यार भी होता है और ऊपर से वो काफ़ी अच्छी भी होती हैं. जैसे ले लेते हैं हम इन सोफ़ास को, इनको मैं घर से बाहर नहीं निकाल सकती. वो इसलिए बिकॉज अगर मामा जी को कहें कुछ भी तो कहती हैं नहीं, इस तरह की लकड़ी आज कल नहीं मिलती, तो इसको कलर फिर कभी करवाएंगे. लेकिन सेकंड ऑप्शन ये था कि मैंने कहा चलें इनको ही चेंज कर लें. ठीक है, ये आप देख रहे होंगे लाइक, मैं थोड़ा पकड़ के दिखाती हूँ आपको. स्कूल लाइक गद्दियाँ, जिसको गद्दियाँ भी कह सकते हैं. मैंने कहा कवर ही चेंज कर लें. सो फाइनली मान गई. मानी तो वो कब सी थी, जब से मानी है ना तब इनकी प्राइस जो थी ना वो 7500 थी. सो आज लाते हैं, कल लाते हैं, आज लाते हैं, कल लाते हैं, लाते 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 इतने दिन हो गए, और आज इसके प्राइस आपको मैं बताऊं क्या है? बताऊंगी लेकिन आपको जब दिखाऊंगी. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सोफ़ा का काम करवाने हैं. गली में ही एक आंटी हैं, उनके बेटे करते हैं फर्नीचर का काम, तो चलती हूँ उनके घर, जाकर पूछ के आती हूँ कि छोटा सा मोटा सा जो काम है वो करते हैं, फिर हम यहाँ पर अपनी न्यू लुक क्रिएट करेंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी. ठीक है. Two hours later. मैं तो पूछने गई थी, बट यहाँ पर क्या भाई कहते, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ आज. ऐसे लग रहा था जैसे वो तो रेडी ही बैठे थे इस काम के लिए. तो बाज़ार गए हैं, शीट लेकर आए हैं, सो उनके लिए ये 2 घंटे का ही काम था. तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात हो जाएगी अगर आज ही हो जाए. ये तो ये मशवरा जी मामा जी को किसी ने दिया, और ये मामा ने उस पर अमल ज़रूर करना था. उनका कहना है कि अगर आप ऐसे शीट लगवा लेंगी तो आपके जो कुशन सेट हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे. यहाँ पर उस्मान के पड़े हुए हैं पैसे. चोरी वोरी करें क्या, रहने दें. आ गया है पीछे से. सो जी दिखाते हैं आपको कैसे की हैं हमारी सोफ़ाज की सीट्स या कुशन सेट. इसका ला 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 ला. हमारी ना जो रूम में शीट लगी है ना उसके साथ मैच भी हो रही है. बाकी नीचे जाके मैं दिखाती हूँ आपको इसकी लुक. एक्चुअली मुझसे उठाई नहीं जा रही. आ जाओ. उठाई नहीं जा रही थी, सो उस्मान की हेल्प ली है. शाबाश. अंदर नहीं आया जा रहा इससे. ये देखा जी उस्मान कैसे लेकर आया है. यहाँ बेड पे रखो, बेड पे रखो, यहाँ रख दो बेड पे. थैंक यू. इस तरह नहीं, उस तरह ऐसे. ओके जी. मामा ने दोबारा ये यहाँ पे ऐसे ही लगा दी हैं कि कोई आना जाए. सो अब हम यहाँ से सारी चीज़ें उठाते हैं, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ, और फिर ये यहाँ पे सेट करते हैं और दिखाती हूँ कैसी लगती हैं. सो पुरानी चीज़ों को करते हैं टाटा बाय बाय. ये सब तो प्यारा कर लूँगी. मेरे व्लॉग का मज़ा पता कहाँ से ख़राब हो रहा है, इस बोर्ड से कितना गंदा आ रहा है. ये सब उस्मान का कसूर है आपको, बल्कि मैं दिखाती हूँ. टन टन, ये देखें 2 न्यू ब्रश. ठीक है, एडवांस में, और ऊपर से कलर भी उस्मान को ला के दिया हुआ है. तो ऐसे ही टाइम गुजार देता है, आज करता हूँ कल करता हूँ. तो बस मामा जी से अब इसको मैं डांट पड़वाऊँगी, पता नहीं किस दिन इसने ये करना है. खैर 20 साल का साथ एक बहुत बड़ा साथ होता है. मामा चेंज ही नहीं करती थी. ये कहता है कि तुमने फिर इसी पे बैठता है, तुम इसी पे लेटती हो, इसी पे सोती हो, ये वो. सो करती हैं टाटा बाय बाय.
जब पहले लाने लगे थे तो इसकी प्राइस थी 7,500, बट ना 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 आज कल करते करते इसकी प्राइस 200 कम, 10,000 है, मतलब कि सिर्फ 200 रुपया कम और पूरे 10,000 की ये पड़ी हैं, वो 200 समझे हमने ऑटो वाले को दे दिया। रियली बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं, बट मामा जी का कहना है कि ये ख़राब हो जाएंगे ये वो, फिर तसल्ली के लिए मैंने कहा चलें फिर इसके कवर भी ले आते हैं। सो कल ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना, मामा जी का दिल कर रहा था, सो मामा जी ने उस्मान को कहा फिर हम बाज़ार गए। ये डिफरेंट ब्लॉग्स देख के ना, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज देख के, तो इस तरह मुंह से कोई ना कोई वर्ड निकल ही आता है। खैर बाकी फिर हम जब कल गए तो मामा जी ने उस्मान को ठगिया मारी और मैंने मामा जी को मारी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, चले आपको पहले मैं वो दिखाती हूँ। उस्मान के साथ जा रहे हैं बाजार, सो आज ये लेके चला ही जाएगा है। निकल जाओ आप बाहर, कितना इतना तरसाता है ना, इतना तरसाता है और ऊपर से गर्मी इतनी है। मामा जी वेट कर रही हैं मेरा यहाँ पे और मैं पहुँच चुकी हूँ। मामा जी का आज दिल था फ्रूट्स वगैरह खाएं, तो अचानक उस्मान के सामने मामा ने अपना क्या कहते हैं इजहार कर दिया। उस्मान कहता चलिए चलते हैं बाज़ार, जो आपका दिल करता है आप ले लें। सो इसलिए मैं कह रही थी मामा जी को सुला के मारी, मामा जी तो फ्री हो गई माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मामा जी कर रही हैं शॉपिंग वगैरह, कोई नहीं चले मामा जी के बहाने, आज हमारे भी खूब मौजें लगेंगी। इधर से स्टार्ट हो गई मेरी चलाकियाँ, देखिए होता क्या है, हम ना अचानक गुजर रहे हैं और मामा जी की नज़र पड़ गई इन कपड़ों पे, और मामा को अचानक याद आ गया, उन्हें याद था कि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर, तो कहती हैं कि चलो फिर उसकी छोटी सी बेटी है उसके लिए कुछ ले लो। तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ी शॉपिंग की और फिर उन्होंने मेरे लिए भी सुलह मार ली, मुझे तुम भी कोई ड्रेस ले लो, बिकॉज़ मैं उसके घर जा रही थी, मैंने कहा सारे ड्रेस मैंने पहने हैं तो कोई न्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे पसंद आया उसका रेट तो अल्लाह माफ़ करे, फिर एक शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप पे, दूसरी को छोड़ के तीसरी शॉप पे, ये थर्ड शॉप है, यहाँ पर सारी शर्ट्स प्यारी हैं बट कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। बस देख रही हूँ मुझे क्या पसंद आता है और ये मुझे ड्रेस पसंद आया, इसमें क्या है कि तीन कलर हैं, एक ये ठीक है और ये जो मुझे पसंद आया है ये पिंक और सी ग्रीन सा, और फिर यही मैंने पैक करवा लिया। ये पिंक में क्या हुआ, पिंक भी ज़्यादा प्यारा था बल्कि इन दोनों से, बट इसका ट्राउज़र जो था वो मुझे भरा है, जो कि मुझे काटना पड़ना मुझे मौत पड़ रही होती है वैसे ही काम करते हुए। इसका स्टाइल भी वैसे ज़्यादा अच्छा था बट फिर भी मुझे क्या हुआ, मैंने कहा चलो मौज लग रही है तो लगा ही लेते हैं इससे पहले कि मौका ये भी हाथ से जाए, फिर मैंने यही वाला ले लिया। ड्रेस जो है वो है टू पीस ट्राउज़र और शर्ट है, इसलिए फिर यहाँ से स्टॉलर दिखे वो मैच करने लगी। मैं देख रही हूँ कि इसके साथ जो वेल हो जाएगा कि नहीं। ऑलमोस्ट शॉपिंग डन है, बस ये कुशन सेट के ना कवर रह गए हैं बस। सो काफ़ी डिज़ाइन है, काफ़ी कलर हैं, बट मेरा दिल जो है वो सिर्फ ब्लैक पे आ रहा है, तो मैं तो कह रही हूँ सिर्फ यही ले लेते हैं। सो डन कर रही हूँ मैं तो इसी को, और मामा कहती चलें बेडशीट भी ले लेते हैं, काफ़ी देर से न्यू नहीं ली। सो इसमें भी काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी कलर, काफ़ी डिज़ाइन, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लें, दिल करता है सब कुछ ही उठा के ले जाएं, सब कुछ इतना प्यारा लगता है, पता नहीं कैसे ये चीज़ें बनाते हैं, बट सब तो नहीं ना ले सकते। खैर उस्मान, ओए उस्मान मेरी मेहंदी कहाँ है, दिखाना दिखाना, निकाल के दिखाना। 50 रुपये। तो ये है जी बेडशीट और ये है जी कुशन कवर,
और रियली बाज़ार में इतनी गर्मी थी और अब भी इतनी गर्मी, मैं तो थक चुकी हूँ। उस्मान उमर मुझे नज़र आ रहे हैं, बल्कि आवाज़ें आ रही हैं, इनको मैं भुलाती हूँ और इनसे अब ये जितना भी है ना ये सारा समेटते हैं, उनसे कहते हैं मेरी हेल्प करें। सो फिर जल्दी जल्दी बेडशीट भी डालती हैं और सोफ़ा के कुशन सेट के जो हैं कवर लाए हैं वो भी डालते हैं, फिर लास्ट लुक आपको दिखाते हैं। हेलो पीने, हेलो टिकटॉकर छोटी है, चलो फिर आने दो। गेस्ट चले गए हैं और एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई है, दिखाती हूँ आपको मैं। बहुत ही बुरा हुआ, इतनी खुश थी मैं भी, इतनी खुश थी, मुझे ये इतने ज़्यादा कवर्स में से ना ये पसंद आए थे। सो मामा जी का मूड भी ख़राब हो गया है, टेंशन लेने लग रही है, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, हम बाजार जाएंगे, हम न्यू नहीं आएंगे। सो गाइस बेडशीट भी देख ली, सोफ़ा सेट जो कुशन सेट था वो भी आपने देख लिया, तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।